हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ वीडियो आज हम 3B बना रहे हैं। सब्जेक्ट है संस्कृत और अभी हमारा ये पार्ट पहला चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको 4 श्लोकों का हिंदी अर्थ, भावार्थ, इनका अन्वय और किस प्रकार इसको पढ़ना है ये सब कुछ बताया था बेटा, और आपको अच्छे प्रकार समझ में भी आया होगा। आज हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में श्लोक नंबर 5। तो इसको पहले तो ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना सबसे ज़रूरी चीज़ है। शुद्ध पढ़ोगे तो उसका अर्थ भी हम शुद्ध करने में आसानी होती है। धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। आपस सुने, धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। देखो बेटा, यानी कि व्यक्ति के जीवन को प्रेरित करने के लिए कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें अपनाना उसके जीवन को सुखी करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, जैसा यहाँ बताया गया है, धन और धान्य प्रयोगेशु। धन, धन बेटा क्या होता है? जो हमारे पास में राशि होती है, जो हमारे पास में अर्थ होता है, अर्थ यानी पैसा। और धान्य, धान्य होता है अनाज को कहते हैं, जो हमारा खाद्यान्न है उसको हम धान्य कहते हैं। प्रयोगेशु, प्रयोग करने में, धन और धान्य के, यानी कि धन और अनाज के प्रयोग में, विद्याया ज्ञान के, संग्रहेशु संग्रह में, यानी ज्ञान को एकत्र करने में। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा स्थायी माध्यम है बेटा, जो हमें जहाँ से भी मिले, ज्ञान हमको कहीं से भी मिले, हमें उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और ज्ञान कैसा हो? अच्छा ज्ञान हो, नीति निपुण हो, सत्यता से युक्त हो। वो ज्ञान हमें कहीं से भी प्राप्त होता है तो उसे हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। तो ज्ञान का संग्रह करने में, यानी ज्ञान को एकत्र करने में, आहारे भोजन करते समय, आहार यानी जब हम भोजन कर रहे हैं उस समय, और च व्यवहारे व्यवहार में, यानी किसी से व्यवहार कर रहे हैं, बोलचाल बातचीत कर रहे हैं बेटा, किस चीज़ का आदान प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो वाणी हो चाहे वो वस्तु हो। तो ऐसे कार्य में हमें क्या है? त्यक्त लज्ज, लज्ज लज्ज यानी होता है शर्म। त्यक्त को त्याग कर, शर्म को त्याग कर या शर्म को छोड़कर सुखी भवेत, खुश रहना चाहिए। देखो बेटा, यदि धन और धान्य हमारे पास है और हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे तो वो हमारे किसी काम का नहीं और वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसका प्रयोग हमेशा करते रहना चाहिए, स्वयं के लिए भी और दूसरों की या मानवता की भलाई के लिए भी हमें अपना धन खर्च करना चाहिए, अपना धान्य खर्च करना चाहिए। ज्ञान जो होता है उसका जितना अधिक संग्रह जहाँ भी मिले, जिससे भी मिले, ग्रहण कर लो। कभी इसमें शर्म मत करो बेटा कि वो छोटा है या बड़ा है, कभी नहीं सोचना ऐसा। ज्ञान को हमेशा प्राप्त करना है। भोजन करते समय, यदि हम जब भोजन कर रहे हैं तो ये ना सोचें कि हमें भोजन और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। आप जब भोजन कर रहे हैं तो उसको पूर्ण रूप से भोजन करें, शर्म छोड़ दें। और व्यवहार, जब आप व्यवहार किसी से कर रहे हो, किसी से आपने मित्रता की है, किसी से आपने वादा किया है, किसी का आप सहयोग कर रहे हो, किसी की आप सहायता कर रहे हो, तो उसमें सोचो मत। शर्म को, लज्ज यानी क्या होता है बेटा? शर्म को त्यक्त यानी होता है छोड़कर सुखी भवेत, खुश रहना चाहिए। तो इसका अर्थ सुनो, धन धान्य के प्रयोग में, ज्ञान के संग्रह में, भोजन करते समय और व्यवहार के समय शर्म को छोड़कर खुश रहना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? तो यहाँ ये जो शब्दार्थ है ये आपको CW कॉपी में लिखना है, और इसके बाद जो ये इसका हिंदी अर्थ है ये आपको HW कॉपी में लिखना है,
पहले आपको HW कॉपी में श्लोक लिखना है, नीचे हिंदी अनुवाद लिखकर अंडरलाइन करना है, एरो लगा के फिर ये आपको ये हिंदी अनुवाद इसमें लिख देना है, ठीक है बेटा। और लिखने के बाद शब्दार्थ भी याद करने हैं और इसका हिंदी अनुवाद भी याद करना है। इसके बाद हम आगे अगले श्लोक की ओर चलते हैं जो इस पाठ का लास्ट श्लोक है। देखिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। वापस सुने, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। तो देखो बेटा, क्षमा आपने सुना होगा कि हिंदी में भी एक हमारे कवियों ने कहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा जो है वो एक इतना विशेष बात है, इतना बड़ा हथियार है कि बड़ा व्यक्ति को हमेशा क्षमा करते रहना चाहिए। किसको? छोटे को। बड़ा व्यक्ति का ये गुण है कि वो छोटे को हमेशा क्षमा कर दे, और छोटों को उत्पात। और छोटा जो होता है वो हमेशा शैतानी करता है, नटखट होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो बेटा क्षमा जो होता है, ये क्षमा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। जैसे आप कभी कभी घर में कुछ गलतियां कर देते हैं या घर में कोई नुकसान कर देते हैं बेटा, तो आपके पेरेंट्स यानी माता पिता को आप पर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, लेकिन आप हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांग लेते हैं और कहते हैं कि हे माताजी या हे पिताजी, ये मुझसे अज्ञानवश हो गया, आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप मुझको क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार आपके इन वचनों से, क्योंकि आपकी पिटाई लगने वाली थी लेकिन आपने जो ये सुंदर वचन बोले, हाथ जोड़ के जो अपने माता पिता से आपने क्षमा मांग ली, इस कारण आपको दंड नहीं मिला। तो क्षमा एक वश में करने वाला सबसे बड़ा मंत्र है, यानी क्षमा के द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, अपनी ओर मिला सकते हो। तो क्षमा वशीकृति लोके, लोके यानी होता है संसार में, क्षमा क्षमा जो होता है वो वशीकृति सबको वश में करने वाला एक मंत्र है। यानी संसार में क्षमा के द्वारा हम सभी को वश में कर सकते हैं। क्षमया क्षमा के द्वारा किम क्या न साध्यते, नहीं सिद्ध हो सकता। यानी क्षमा के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है, अर्थात क्षमा के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। यस्य जिसके, करे हाथ में, शांति खड़गे शांति रूपी, खड़ग यानी होता है बेटा तलवार कटार, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति भी उसका किम क्या करिष्यति करेगा, कि उसे क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कुछ अहित नहीं कर सकता, उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास शांति रूप तलवार है। शांति रूप तलवार क्या होती है बेटा? चुप रहना, मौन रहना। यदि आप शांत हो, आप कुछ नहीं कह रहे हो, तो आपको कोई भी दंड नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आप शांति के कारण वो आप पर क्रोध ही नहीं कर पाएगा, ठीक है बेटा। वापस सुनो उसको, संसार में क्षमा के द्वारा सबको वश में किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा क्या कार्य नहीं कह सकता, अर्थात क्षमा के द्वारा सभी कार्य सफलता से किए जा सकते हैं। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति भी क्या करेगा, अर्थात दुष्ट व्यक्ति भी उसका अहित या बुरा नहीं कर सकता। समझ आया बेटा आपको ये? तो इसके अंतर्गत भी देखो बेटा शब्दार्थ हैं, ये भी आपको वही शब्दार्थ CW में करने हैं बेटा। समझ आ गया? इसके बाद ये हिंदी अनुवाद है, ये आपको HW कॉपी में करना है बेटा, ठीक है जी। तो आपको वही HW कॉपी में एक लाइन छोड़ के पहले तो श्लोक लिखना है, फिर श्लोक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ें नीचे, फिर वहाँ पर आप हिंदी अर्थ लिखें, अंडरलाइन करें इसको बेटा, एरो लगाएं, और फिर आपको ये हिंदी अर्थ इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। और लिखने के बाद
आपको शब्दार्थ भी याद करने हैं और हिंदी अनुवाद भी याद करना है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हमारे फर्स्ट लेसन में 6 श्लोक थे जो आज कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार ये वीडियो इतना ही बेटा, अगले वीडियो में इससे आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे, और तब तक आप घर बैठकर आराम से ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन जारी रखें और निरंतर